बड़ी मार्केट है यही है कृष्णा टावर। ठीक है, चलते हैं कंपनी एरिया में जहाँ पर जो कंपनी है, तो सारी कंपनी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हमने TS Tech कंपनी ये वाली। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए एंड मस्त हो गए। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है, मैं हूँ अभी राजस्थान में, राजस्थान नीवराना। ओके गाइस, तो गाइस आज जो है मैं नीवराना को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, पूरा नीवराना को दिखाने वाला हूँ, जो भी मार्केट है, जो भी चौक है, सारा कुछ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड जो है मैं कंपनी है यहाँ पर आसपास में, सारी कंपनियों को भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो का भी इंटरेस्टिंग होने वाली, प्लीज़ यार वीडियो को पूरा वॉच करना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मेरे साथ है अभी यहाँ पर गौरव, ठीक है, गौरव भी बाइक पे बैठा हुआ है, एंड प्रदीप, ठीक है। सो गाइस, ये दोनों मेरी जो है हेल्प करने वाले हैं, ये बताएंगे सारे चौक वगैरह, मार्केट वगैरह, कौन सी मार्केट कहाँ पर है, चौक कौन सी चौक से क्या बोलते हैं, ये सारा कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो ये कौन सा चौक है जो अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं? आसियाना चौक। तो यहाँ पर जो है ये अभी आसियाना चौक है, ठीक है। तो ये आसियाना चौक काफ़ी बड़ा है यहाँ से वहाँ तक, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो है प्रदीप गाड़ी चलाने वाला है, गौरव बीच में बैठेगा, पीछे में बैठने वाला हूँ, और गाड़ी ये करेगा मुझे गौरव, और सारे चौक वगैरह ये बताने वाला। तो चल चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर ये गत्ता वगैरह बनता है, ये गत्ता पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो कंपनी का जो एरिया है वहाँ पर भी आपको भी लेके जाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ नीवराना की। ओके गाइस, तो चलिए, तो ये सामने आप जो ट्रक खड़ा हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं आसियाना चौक, ठीक है। थोड़ा आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये है आसियाना चौक। ओके गाइस, तो यहाँ से भी एक रोड गया है, ठीक है। ये भी सारा कंपनियों के लिए जाते हैं रोड सारे, ठीक है। और आगे हमें जो देखने को मिलने वाला है कृष्णा टावर देखने को मिलने वाला है, काफ़ी बड़ी मार्केट है उसके अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कृष्णा टावर को भी। ये एक चौक पड़ता है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो आप सामने देख पा रहे हो, ये है आसियाना की मार्केट, आसियाना की मार्केट। ओके, तो इस रूट पर हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें जो है कृष्णा टावर देखने को मिलने वाला है, जो भी वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मार्केट है। चलना भाई, ये है सामने यहाँ पर मार्केट। कौन सी मार्केट है ये? ये वाली जो सामने है, कृष्णा टावर। अच्छा, तो गाइस ये है कृष्णा टावर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीवराना की सबसे जो हमारी बड़ी मार्केट है, यही है कृष्णा टावर, ठीक है। यहाँ पर आपको इस मार्केट में सारा सामान मिल जाएगा, आप जो चीज़ चाहोगे वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ आकर के परचेस कर सकते हो, ठीक है। और आप गाड़ी वगैरह लेके आते हो, यहाँ पर अपनी पार्क कर सकते हो। तो गाइस ये है कृष्णा तराया, ठीक है। ये है कृष्णा तराया बोलते हैं यहाँ पर, उधर से रोड आता है, एक रोड इधर की तरफ चला जाता है, और एक जो रोड जाता है मार्केट में अंदर की तरफ, ठीक है। और ये है कृष्णा टावर, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, मैंने अभी आपको बताया था। तो गाइस चारों तरफ से आपको मैंने दिखा दिया है कृष्णा टावर को, ठीक है। कृष्णा टावर यानी कृष्णा मार्केट। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ रेडी वगैरह लगी है, यहाँ पर आपको फल फ्रूट वगैरह देखने को लिए मिल जाते हैं, यहाँ से परचेस कर सकते हो। इस साइड पर आपको सब्जी वगैरह देखने को मिल जाती है, यहाँ से आप सब्जी वगैरह परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से फुटपाथ पर काफ़ी शॉपें लगी हुई है यहाँ पर, इस साइड भी, ठीक है। और काफ़ी शॉपें हैं यहाँ पर, यानी कि ये मेन मार्केट है ना, यही मेन मार्केट है यहाँ पर नीवराना की, मेन मार्केट यही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फ़ोन वगैरह रिपेयर वगैरह कराना है, अगर नया लेना है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। ये शॉप पे सारी मोबाइल वगैरह की हैं यहाँ पर। ऐसा आप फ्रिज वगैरह परचेस कर सकते हो, यहाँ पर फ्रिज की शॉप है, ठीक है। फ्रिज, कूलर्स वगैरह एंड बर्तन वगैरह। चौक आने वाला है, तो गाइस अब जो चौक आने वाला है, होली टीबा चौक आने वाला है। होली टीबा है ना, होली टीबा चौक का भी देख सकते हो नाम, गाइस अजीब प्रकार का है, ठीक है। आ गया ना जी, तो जी है गाइस होली टीबा, ठीक है, देख सकते हो। इस रास्ते से हमारे रूम के लिए रास्ता जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह का रेडी लगती है, यहाँ पर बर्तन वगैरह है, जूस वगैरह यहाँ मिल जाएगा आपको। और ये भी काफ़ी बड़ी शॉप है, यहाँ पर आपको सारा सामान मिल जाता है, हाँ, राधा रानी के नाम से है, ठीक है। ये शोरूम है एक, और यहाँ पर ये ATM वगैरह है। और गाइस ये है यहाँ पर बाबरी चौक, इसे बाबरी चौक बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बाबरी चौक भी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके जाने वाला हूँ, काफ़ी ख़तरनाक जगह है देखने लायक, ठीक है। तो देख सकते हो ये है बाबरी चौक, नीवराना की मेन मार्केट थी, यही थी जो इस रोड से निकल के आए हैं, ठीक है। मेन रोड भी बोल सकते हैं, मेन मार्केट भी बोल सकते हैं, सारे चौक वगैरह इसी पे देखने को मिलते हैं। तो मैंने सारा कुछ दिखा दिया जो नीवराना का था, और जो कुछ भी देखने लायक है मैं आपको छत से दिखाऊंगा सारा जो नीवराना वगैरह, ठीक है। और एक यहाँ पर महल भी है, महल को भी ऊपर मैं आपको छत से दिखाने वाला हूँ। चलते हैं कंपनी एरिया में जहाँ पर जो कंपनी है, तो सारी कंपनी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं झट से कंपनियों की तरफ। नहीं,
गाइस सामने जो रोड देख रहे हो आप, ये दिल्ली से जयपुर के लिए जाता है ये वाला रोड, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कंपनी एरिया है, यहाँ पर देख सकते हो जापानीज कंपनी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है और इस जो रूट पे ना, इस रोड पे ना सारी कंपनी देखने को मिलेगी, बहुत सारी कंपनी देखने को मिलने वाली हैं। तो सारी कंपनी इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच करना, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर किसी भी कंपनी में काम किया है, वर्क किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा देख करके। ओके गाइस, तो चल रहे फटाफट से आगे की तरफ। ऐसे ये रूट जाता है, ठीक है, जहाँ पर सारी कंपनी देखने को मिलेगी आगे चल के। तो बनी रही है वीडियो में, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करना, ठीक। तो गाइस यहाँ पर हमें सबसे पहले जो कंपनी देखने को मिलती है, जोसन के नाम से देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी हमें यहाँ पर ये देख ली, और अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो भाई ओजी इंडिया पैकिंग कंपनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अगर आपने इसमें वर्क किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। ओके गाइस, तीसरी कंपनी देखने को मिलती है टोयोटा, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ओके। और इसका मेन गेट है यहाँ से, ये देख पा रहे होगे, ठीक है। ये है इसका मेन गेट। अगर भाई इसमें भी कोई वर्क करता है और मेरी वीडियो देख रहा है, तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। तो एक कंपनी देखने को मिलती है यूनिचार्म, ठीक है। इस कंपनी का नाम है यूनिचार्म, ठीक है। और एंट्री गेट ये है यहाँ से, और यहाँ पर जो सारी बसें देख पा रहे हो, बस खड़ी हुई हैं, ये सारी वर्करों की बसें हैं। अभी जो है वर्करों की छुट्टी होने वाली है, उसके बाद सारे वर्कर इन बसों में ही जाने वाले हैं। गाइस ये है यहाँ पर RH कंपनी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस ये है सामने डाइकिन कंपनी, और इसके अंदर जो है AC बनती है, AC और क्या बनता है, AC ओनली AC बनती है इसके अंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। और ये है सामने TS Tech कंपनी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो TS Tech कंपनी होगी, और आगे भी हमें कई कंपनी देखने को मिलने वाली हैं, जैसे मेकोनी होगी, डाइकिन तो मैंने दिखा दी, मेकोनी भी है आके। TS Tech कंपनी में होंडा 2CD गाड़ी के पार्ट बनते हैं, जैसे कि सीट हो गई, कवर हो गए, सीट के कवर हो गए, डोर हो गए, यानी कि कई सारे पार्ट बनते हैं इसके अंदर। और गाइस अगर आपको यहाँ पर जॉब चाहिए तो आपको यहाँ पर जॉब भी आसानी से मिल जाती है। अगर आपने हाई स्कूल या 12th कर रखी है तो आपको यहाँ पर आसानी से जो है जॉब मिल जाएगी, आराम से आपको 10-12 हज़ार की रेंज में जो है सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर जॉब चाहिए तो यहाँ पर आ सकते हो, TS Tech कंपनी में ट्राई कर सकते हो, डाइकिन में ट्राई कर सकते हो, मेकोनी में ट्राई कर सकते हो। चलते हैं आप रूम पर, और रूम पर जाकर मैं आपको नींबर आने का रात का व्यू दिखाने वाला हूँ, और ब्लॉग को जो है घर पर जा करके मैं एंड करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं फटाफट से रूम पर। ये है रात का व्यू नीबराना का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वैसे तो खास ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, बट जो सामने आप देख पा रहे हो वहाँ पर एक है पहाड़, ठीक है। पहाड़ के ऊपर एक महल बना हुआ है, और महल पर ये लाइटें जल रही हैं, काफ़ी मस्त लग रही हैं, देखने लायक नज़ारा है, ठीक है। तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस वहाँ पर मैं आपको सुबह लेके जाने वाला हूँ, सुबह की वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उस महल को दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस आपको मैं डे में भी दिखाता हूँ, डे में दिखाऊँगा यहाँ पर जो निबराना का व्यू है, रात में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं सुबह आपको दिखाता हूँ। दिन का व्यू गाइस कुछ इस प्रकार का है, सामने महल है आप देख पा रहे हो, जो रात लाइट जल रही थी वही सामने वाले महल पर जल रही थी, और चारों तरफ कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना कोई अच्छा सा, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।